YouTube चैनल सीबी वधवा इंग्लिश क्लासेस पर मैं सीबी वधवा फिर आपके साथ आज अपने नए चैप्टर को लेकर 11th क्लास का सप्लीमेंट्री का एलवा आइंस्टीन एट स्कूल। आपने बहुत से साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा होगा और पढ़ते भी रहते हैं क्योंकि साइंटिस्ट की जो ऑटोबायोग्राफी है या उसकी बायोग्राफी है उसको पढ़ने का बहुत ज़्यादा मजा आता है, क्योंकि लाइफ के अंदर ये वो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं जिनकी स्टडी की कोई सीमा नहीं होती कि इन्होंने अपने जीवन में स्टडी के लिए कितना समय दिया। हर आदमी सक्सेस के लिए टाइम देता है, लेकिन एक साइंटिस्ट है वो अपनी एक अलग रिकॉग्नाइज बनाते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने कंट्री के अंदर, वर्ल्ड में उनकी एक अलग वंडरफुल एक रिकॉग्नाइज होती है, अद्भुत सी एक पहचान होती है। आइए हम पढ़ते हैं अपने एक साइंटिस्ट के बारे में जिसका नेम क्या है, अल्बर्ट आइंस्टीन। नेम सुनकर हर किसी को लगता है इस टाइप का पर्सन एक साइंटिस्ट ही है, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो अल्बर्ट आइंस्टीन है वो एक ग्रेट साइंटिस्ट क्या रहा है, एक ग्रेट साइंटिस्ट रहा है, महान वैज्ञानिक, हम इसको कह सकते हैं कि एक महान वैज्ञानिक रहा है। और किस चीज के लिए उसको जाना जाता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में, सापेक्षता का सिद्धांत। इस थ्योरी के लिए इसको रिकॉग्नाइज फेमस है काफी। और जनरली अगर आमतौर पर हम बात करें, जनरली इनको क्या दिया जाता है, रिगार्ड दिया जाता है, जनरली रिगार्डेड किस चीज के लिए, एज द ग्रेटेस्ट फिजिस्ट अवार्ड इनको दिया गया है। फिजिस्ट अवार्ड एक दिया गया, मतलब भौतिकी शास्त्र का, भौतिक शास्त्री का एक इनको अच्छा अवार्ड दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो न्यूटन के बाद के सबसे फेमस साइंटिस्ट की अगर बात करें, अगर फिजिक्स में तो न्यूटन के बाद इनका नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। न्यूटन के बाद जो फेमस फिजिस्ट रहे हैं हमारे, उनका नेम क्या है, अल्बर्ट आइंस्टीन। और अल्बर्ट आइंस्टीन ये लेसन है, दिस लेसन हैड बीन टेकन फ्रॉम हिज बायोग्राफी। कहाँ से लिया गया, इनकी बायोग्राफी से इनको लिया गया। कौन सी बायोग्राफी इनकी, जो किसके द्वारा लिखी गई थी, एंटाइटल्ड द यंग आइंस्टीन, एक इनकी बायोग्राफी के अंदर बुक लिखी गई थी एंटाइटल कौन सी, यंग आइंस्टीन के बारे में है। यहां बात करें यंग आइंस्टीन वहां से इनको लिया गया। और किसके द्वारा लिखी गई है ये, पैट्रिक प्रिंगले, इस राइटर के द्वारा ये बुक लिखी गई थी और उसी में से इसको दिया गया है, इसी चैप्टर में से इसको दिया गया। यंग आइंस्टीन की एक बुक लिखी थी यंग आइंस्टीन पर पैट्रिक प्रिंगले ने, और उसी ने फिर अपनी बायोग्राफी से इसको लिया था। और इसके बाद यदि हम बात करें आइंस्टीन के बारे में, तो किस तरह का, जर्मन के एक स्कूल में पढ़ता था, किस स्कूल में था, स्टार्टिंग के अंदर अल्बर्ट आइंस्टीन वाज ए स्टूडेंट ऑफ ए जर्मन स्कूल, वह जर्मन के एक स्कूल का क्या था, विद्यार्थी था। यदि हम उनकी बात करें तो उस स्कूल से ही वाज एक्सपेल्ड, ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई थी कि उसको उस स्कूल से क्या किया गया, एक्सपेल्ड किया गया, मतलब निकाला गया, ऐसी सर्कमस्टेंसेस जिसने वहां पर पैदा की। और आफ्टर दिस क्या था, इस लेसन में ऐसी हमने बात की कि ऐसी सर्कमस्टेंसेस आइंस्टीन के द्वारा बनाई गई थी जिसके बाद इसको एक्सपल्जन कर दिया गया, स्कूल से इसको निकाल दिया गया, एक्सपेल निकाल दिया गया। और एक स्पेशली इनके जो हेड टीचर थे और एक टीचर इनके और थे आइंस्टीन के, जिसको क्या कहते हैं, हिस्ट्री के टीचर, दोनों ही टीचर क्या थे, वेरी वरीड फ्रॉम अल्बर्ट आइंस्टीन नेचर, अल्बर्ट आइंस्टीन के नेचर को लेकर वो बहुत ज्यादा क्या रहते थे, चिंतित रहते थे, बिकॉज अल्बर्ट आइंस्टीन वाज वेरी शार्प इन मैथमेटिक्स, क्योंकि वो मैथमेटिक्स में काफी
शार्प था। और अक्सर वो हिस्ट्री के टीचर को क्या कहता था कि फैक्ट्स जो आपके द्वारा बताए जाते हैं, क्या बताए जाते हैं, फैक्ट्स बताए जाते हैं, फैक्ट्स एंड डेट्स आर नॉट एजुकेशन। अक्सर हिस्ट्री के टीचर्स को हिस्ट्री में कहता था, क्या कहता था, फैक्ट्स एंड डेट्स आर नॉट प्रॉपर एजुकेशन, इज नॉट प्रॉपर एजुकेशन, ये प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, आई हैव नो इंटरेस्टेड इन दिस स्टडी, आई हैव नो इंटरेस्टेड इन दिस टाइप ऑफ स्टडी, इस तरह की स्टडी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज ही वाज शार्प इन मैथमेटिक्स। कौन से सब्जेक्ट के अंदर मैथमेटिक्स, मैथ्स के सब्जेक्ट के अंदर क्या थे, हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन का भी शार्प माइंड के थे, और उनका नेचर कैसे था, अल्बर्ट आइंस्टीन वाज ए फ्रैंक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या होते हैं, जो अपनी बात को बिल्कुल सीधे में कहते हैं, फ्रैंक में क्या कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं। ही वाज नॉट वरीड, और अल्बर्ट वाज नॉट वरीड व्हेन द टीचर आस्क्ड हिम टू लीव द स्कूल, वह बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ जब उसके हिस्ट्री के अध्यापक ने कहा था कि यू मस्ट लीव दिस स्कूल, तुम्हें स्कूल को छोड़ देना चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट सुटेबल प्लेस फॉर यू, या तुम्हारे लिए अच्छा स्थान नहीं है। ऑलवेज मैथमेटिक्स टीचर थे वो उनको बहुत ज़्यादा क्या करते थे, कोऑपरेट करते थे मैथमेटिक्स के टीचर। एजुकेशन के अंदर अक्सर अक्सर वो टीचर्स को कहा करते थे आइंस्टीन कि एजुकेशन आइडियाज से होती है, ना कि नॉट फैक्ट्स, एजुकेशन में आइडिया होने चाहिए जिससे हम आगे बढ़ सकें, नॉट फैक्ट, ना कि हमें सिर्फ तिथियाँ पढ़नी चाहिए, हमें डेट्स पढ़नी चाहिए, नॉट एजुकेशन। हेडमास्टर के When the headmaster asked her to leave the school, he was very happy. जब उसको अध्यापक मुख्य अध्यापक ने कहा, उसको अलविदा किया लास्ट के अंदर, तो he was very happy, वह बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, खुश हुआ था, because his mathematics teacher gave him a good certificate. उसके mathematics के teacher ने उसे बहुत अच्छा क्या दिया था, certificate दिया था। इस तरह से एक scientist था और किस तरह से उसने स्कूल की सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को संभाला था। इसके बाद वो क्या था, ही गिव्स वेरी गुड सर्टिफिकेट उसको दिया गया था, किसके द्वारा, बाय मैथमेटिक्स टीचर्स के द्वारा, सो दैट ही विल गेट अ प्रॉपर एजुकेशन इन इटली। उस मैथमेटिक्स टीचर को था कि कंटिन्यू वह अपनी एजुकेशन को प्राप्त कर पाएगा, कहाँ, इटली के अंदर। तो इस तरह से अल्बर्ट आइंस्टीन की सिचुएशंस बताई गई हैं, सर्कमस्टेंसेस बताई गई हैं जिसके चलते उसने अपने आप को अडॉप्ट किया, और कैसे एक अपने मित्र यूरी के साथ मिलकर भी उसने एक मेडिकल सर्टिफिकेट अपना फॉल्स तैयार करवाया था ताकि उसको स्कूल छोड़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से इसका क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। यूरी जो डॉक्टर है उसके फ्रेंड का फ्रेंड, तो उसके कैसे उसने उसको कोऑपरेट किया था, कैसे हिस्ट्री के टीचर्स और हेड मास्टर के साथ, हेड टीचर के साथ उसकी कैसे टॉकिंग थी, कैसे एनवायरनमेंट था, उसके साथ कैसे बातचीत थी, और मैथमेटिक्स के टीचर का क्या कोऑपरेशन था, ये सभी क्वेश्चन इसके अंदर इम्पोर्टेंट रहते हैं और इनके बारे में आप ज़रूर पढ़ेंगे। और यूट्यूब चैनल को कॉन्टिन्यू आप प्यार देते रहें, लाइक करते रहें वीडियो को और कॉन्टिन्यू शेयर करें।